सिवान के पुलिस लाइन में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने इसका शुभारंभ किया। मैराथन दौड़ में सिवान पुलिस बल के जवान और कुछ समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस दौड़ में अव्वल रहे लोगों के बीच एसपी के द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी बांटे गए। मैराथन में शामिल होने वालों में सिवान एसपी के साथ एएसपी कांतेश मिश्र और एसडीओ अमन समीर के साथ कई थानाध्यक्ष भी मौजूद थे। मीडिया से एसपी ने बताया कि आज के समय में इस तरह के दौर की बहुत ही जरूरत है, जिससे इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एटीएल लाइव के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट। देखो पहले आई सी लेना अच्छा है पीछे से क्या ये झंडा के पीछे चलिए अपना ए लाइन लग के चलो 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 कितना जीगे जाए जाए प्रधान बाली जी सामने देखिए, सामने देखिए। तो सामने देखिए। बिहार पुलिस वीक मनाया जा रहा है अभी 22 से लेकर 27 तक, और इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। उसी की श्रृंखला में आज रन फॉर पीस आयोजित किया गया था, और इसमें पुलिस कर्मियों और जो हमारे सिवान जिला के नागरिक हैं और कुछ मीडिया के लोग, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उद्देश्य यही है कि जो जनता के बीच स्वस्थ रहने की भावना को बढ़ाया जाए। सुबह दौड़ने से अच्छा व्यायाम कोई नहीं है, और इसके अलावा जो कम्युनिटी पुलिसिंग के जो तत्व हैं उसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ मेडल भी पुरस्कार बांटे गए। हाँ, इसमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए हैं उनको पुरस्कृत किया गया है और उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। उसके अलावा जो पार्टिसिपेट किए हैं उनको भी सांत्वना के तौर पर प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।